नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक्सपो कार चैनल में। आज हम बात करेंगे i20 के एस्टा मॉडल के बारे में। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं सेकंड टॉप मॉडल है मैनुअल में, और सबसे बेस्ट मॉडल कहेंगे तो यही है। अगर वैल्यू फॉर मनी अगर वेरिएंट अगर आप इसको कहेंगे तो यही है। और इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है जो टॉप मॉडल के मिल जाते हैं, एक दो फीचर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसमें टॉप मॉडल के मिलते हैं। तो ये कैसे इसमें फीचर्स आ रहे हैं आइए देखते हैं, और क्या इसका प्राइस है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इसके ग्रिल की। तो ग्रिल दोस्तों इसमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आ रहा है, कुछ इस डिज़ाइन में देख सकते हैं, ज़बरदस्त लग रही है। और हेडलैम्प्स यहाँ पे देखेंगे तो टॉप मॉडल के जो है LED सेटअप वाले हेडलैम्प्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर जो है इस तरीके से है DRLs मिल जाते हैं, और साइड में दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर मिलते हैं जो कि हैलोजन में है। यहाँ पे साइड में जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग में जो है साइड एयर कर्टन है यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर स्किड प्लेटें मिलती है जो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लग रही है। तो इस तरीके से इसका जो है फ्रंट प्रोफाइल है जो कार को जो काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही है LED हेडलैम्प की वजह से। अब आपको कार का एक बार साइड प्रोफाइल दिखाते हैं दोस्तों। तो ये है कार का साइड प्रोफाइल, देखेंगे तो इस तरीके से आपको कार का साइड प्रोफाइल मिलता है। बहुत अमेजिंग यहाँ पे डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, यहाँ पे डायमंड कट के यहाँ पे अलॉय व्हील्स यहाँ पे इस तरीके से मिलते हैं। और यहाँ पे टायर के जो प्रोफाइल है वो 195/55R16 का मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में दोस्तों ड्रम ब्रेक्स आते हैं इसमें। और मिरर यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों मिलता है, साथ ही साथ ये वेलकम फंक्शन के साथ आता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको पेडल लैंप्स मिल जाते हैं। ए पिलर अगर आप इसमें देखेंगे तो बॉडी कलर में है, क्रोम लाइन यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा जो कि विंडो वेडिंग इसको बोलते हैं। और क्रोम में आपको जो है डोर हैंडल्स भी मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे पैसिव एंट्री मिल जाती है। बी पिलर मैट ब्लैक फिनिशिंग में है, सी पिलर में अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर विंडो ग्लास यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से है कार का साइड प्रोफाइल। अब आपको एक बार रियर दिखा देते हैं। तो रियर की बात करेंगे तो रियर बहुत अमेजिंग लुक के साथ यहाँ पे मिलता है, देखेंगे तो कुछ इस तरीके से। और LED में यहाँ पे जेड शेप में टेल लाइट्स आ जाती है कुछ इस तरीके से, जो ग्लो करती है, ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पे जो है क्रोम एलिमेंट भी आपको मिलता है इस कार में, बीच में हुंडई का नया वाला लोगो, वाइपर, डिफॉगर, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, और सबसे ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना, तो ये मिल जाता है यहाँ पे। और लाइट्स यहाँ पे जो है इंडिकेटर ब्रेक लैंप और अपना रिवर्स लैंप, ये तीनों के तीनों हैलोजन में मिलता है। रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलता है, और यहीं पे दोस्तों HSRP लगती है। नीचे सिल्वर स्किड प्लेटें मिल रही है जो कार को और भी अट्रैक्टिव बना रही है। सेंसर यहाँ पे 1-2 मिलता है, और कैमरा दोस्तों यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो यह है दोस्तों कार का रियर प्रोफाइल। अब आपको एक बार इसका बूट दिखाते हैं। तो बूट यहाँ पे आपको ज़बरदस्त बूट स्पेस मिल जाता है। बूट यहाँ पे बात करेंगे इसकी तो यहाँ पे सबवूफर भी मिल रहा है, और भाई टॉप मॉडल के जो है बोस के स्पीकर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। सेकंड टॉप मॉडल है फिर भी आपको टॉप मॉडल के सब फीचर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो है लगेज लैंप हो गया। स्टेपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेपनी स्टील रिम में आएगा, और प्रोफाइल जो है इसकी वो आपको यहाँ पे 185/65R15 का यहाँ पे मिलता है। पार्सल ट्रे कुछ इस तरीके से मिलता है, यहाँ पे इस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। अब आपको कार का इंटीरियर दिखाते हैं। कीज़ आपको इस तरीके से मिलेगी भाई, जो वरना की आ रही थी वो अब आपको i20 में मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों फेसलिफ्ट है अपडेटेड वाला एकदम। एक बार अनलॉक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से भाई इसका डोर मिलेगा जो ज़बरदस्त यहाँ पे लग रही है। और भाई यहाँ पे बात करेंगे इसकी जो है ये जो है पोर्शन जो यहाँ पे मिलेगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोस्तों सॉफ्ट टच में लेदर फिनिशिंग है देख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो है लाइटें भी आती है अंदर इस तरीके से, वो देख सकते हैं यहाँ पे लाइटें वगैरह आती है जो पहले भी आती थी। और यहाँ पे इसका चारों पावर विंडो यहाँ पे मिलते हैं। ये वाला जो है ड्राइवर वाला वो ऑटो डाउन ऑटो अप के साथ मिल रहा है। सेंट्रल लॉकिंग, मिरर फोल्ड करना, अनफोल्ड करना, एडजस्ट करना, ये सब यहाँ पे मिल जाता है। बॉटल यहाँ पे लगभग 1 लीटर का आ जाएगा, न्यूज़पेपर होल्डर हो गया, और बोस के स्पीकर आ रहे हैं इसलिए बोस की ब्रांडिंग। ट्विटर्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे होगा ट्विटर्स। और कीज़ यहाँ से हटा लेते पहले,
और सीट की बात करेंगे तो सीट दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है, बीज ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पे मिलता है और फैब्रिक में टोटल देख सकते हैं, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और सीट की जो है हाइट जो है वो मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं और फ्रंट की जो है हेडरेस्ट यहाँ पे एडजस्टेबल आ रहे हैं। रियर के दोस्तों इसमें आपको फिक्स्ड मिलते हैं, बाकी रियर का भी आपको दिखाएंगे अभी पूरा। अब यहाँ पे अगर बैठने से पहले यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो हेडलैम्प लेवल करने वाला बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप करने वाला बटन और ये दोस्तों अपना ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन हो गया। गाड़ी को स्टार्ट करना है तो पुश बटन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको अंदर बैठ के दिखाते हैं, तो ये है दोस्तों इसका इंटीरियर और यहाँ पे इसका जो है स्टेयरिंग देखेंगे तो सबसे पहले टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है यहाँ पे। स्टेयरिंग की यहाँ पे जो है लेदर रैप्ड है, डी कट स्टेयरिंग आ चुका है अब i20 में देख सकते हैं और सिल्वर फिनिशिंग है इस तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो अपना म्यूजिक के कंट्रोल्स है और इस साइड में जो है अपना क्रूज कंट्रोल और MID डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। इधर अपने वाइपर वाले फंक्शंस और इधर अपना जो है हेडलैम्प्स वाले फंक्शंस मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक मिलता है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं तो इस तरीके से एनिमेटेड आपको यहाँ पे इसका क्लस्टर मीटर मिलता है जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। एक बार स्टार्ट कर देते हैं इसको, तो ये गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट देख सकते हैं। इंजन नॉइस काफ़ी कम है, पेट्रोल इंजन आता है दोस्तों, डीजल इंजन अब आ नहीं रहा है, इसका बंद हो चुका है एकदम और काफ़ी बढ़िया है, साइलेंट है। यहाँ पे एसी एक बार ऑन कर लेते हैं, थोड़ा इस कम रखते हैं इसको और म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों तो म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे ज़बरदस्त देख सकते हैं, टच रिस्पॉन्स है इसका, रिफ्रेश रेट भी पहले से इम्प्रूव हो चुकी है और यहाँ पे जो है यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं और इससे ऊपर जो मॉडल आते हैं मतलब कि आस्टा ऑप्शनल उसमें दोस्तों फुली टच स्क्रीन मिलता है, इसमें कुछ बटन्स भी दिए गए हैं साइड में। और यहाँ पे जो है ये पार्किंग वाला लाइट हो गया, बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अभी आपने देख ही लिया है और यहाँ पे देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट आ जाता है चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए आजकल टाइप सी पोर्ट बहुत ज़रूरी हो गया और 12 वोल्ट आउटपुट, USB पॉइंट और यहाँ पे दोस्तों आपको वायरलेस चार्जर यहाँ पे मिलता है। और ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, लेदर यहाँ पे है देख सकते हैं और ग्रे फिनिशिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक ये, बाकी ये अपना बीच कलर जो है ग्रे कलर जिसको बोलते हो आप, और कप होल्डर हो गया, हैंड ब्रेक, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, ये हैंडरेस्ट हो गया जो कि फिक्स्ड आता है ना, सॉरी स्लाइडेबल है इसमें, तो स्लाइडेबल आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है i20 में, एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट हो गया। कूल्ड ग्लव बॉक्स, IRBM मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल, इधर अपना जो है टिकट होल्डर हो गया, इस साइड में अपना जो है वैनिटी मिरर हो गया, सनग्लासेस होल्डर, लाइटें जो कि हैलोजन में है और भाई ये ज़बरदस्त चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे सनरूफ मिल जाएगा आपको, काफ़ी बड़ा है यहाँ पे देख सकते हैं, खोल सकता है आराम से, जो है बच्चे और नॉर्मल जो लोग हैं वो निकल सकते हैं आराम से। करते हैं इसको बंद, अगर ऐसे चलाना है बारिश के मौसम में तो ऐसे भी चला सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त लगती है और इस तरीके से यह बंद हो जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें बताऊंगा कि सेफ्टी से रिलेटेड हुंडई ने सबसे बढ़िया काम करा है, क्योंकि इसमें आपको जो है अब 6-6 एयरबैग मिलेगा, 2 सामने हो जाता है, 2 दोस्तों आपको इस साइड में मिलता है सीटों के साइड में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एयरबैग लिखा होगा दोनों सीटों की तरफ, और यहाँ पे लंबा करके जो होता है साइड कर्टन्स मिल जाता है दोनों साइड में, ये देखिए गाइस, तो ये सेफ्टी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया है, 6 एयरबैग मिल जाता है जो कि स्टैंडर्ड है, अगर आप बेस मॉडल ले चाहे टॉप मॉडल आपको 6 एयरबैग मिलना ही मिलना है, तो ये हुंडई ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आपको कार का एक बार रियर कैबिन दिखाते हैं, फिर इंजन, फिर प्राइस बताते हैं। तो ये रहा इसका रियर डोर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही बीच कलर है और अपना जो है यहाँ पे भी लाइटें वगैरह इसमें नहीं आ रहा है, बट इस साइड में भी लाइटें नहीं है, फ्रंट में दिया हुआ है खाली लाइट है, बोस के स्पीकर्स की ब्रांडिंग, पावर विंडो वाला बटन, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीट इस तरीके से मिलता है, ये जो है अपना फिक्स्ड आ रहा है इसमें जो हेडरेस्ट है, और ये जो सीट है वो दोस्तों बेंच फोल्डिंग के साथ आता है। बाकी यहाँ पे रियर एसी वेंट हो गया, नीचे की तरफ जो है चार्जिंग पॉइंट हो गया
और सीट बैक पॉकेट देखेंगे तो इस साइड में आपको मिलता है, ड्राइवर साइड में आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे सेंटर में आपको केबिन लैंप मिल जाता है जो कि हैलोजन में है। तो ये है दोस्तों अपना रियर केबिन इसका। अब आपको एक बार इंजन दिखाते हैं। ये दोस्तों इसका इंजन देख सकते हैं, इंजन नॉइस आप चेक कर सकते हैं, बहुत कम है, बहुत रिफाइंड इंजन आता है हुंडई का। और पावर की बात करें तो यहाँ पे पहले सीसी बता देता हूँ, यहाँ पे 1200 सीसी का इंजन आता है इसमें, यानी कि 1.2 लीटर का इंजन होता है कप्पा इंजन। और इसमें जो पावर प्रोड्यूस करता है वो 83 पीएस का पावर जेट प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क जो है इसमें 115 एनएम का टॉर्क यहाँ पे जनरेट करता है। तो बहुत ज़बरदस्त इंजन है ये। करते हैं इसको बंद। और इस इंजन से आपको लगभग आप मान के चलिए 17 से 18 kmpl का माइलेज आराम से निकाल लेंगे। और बात करेंगे अगर इसकी कीमत की, तो इसका कीमत जो है एक्सशोरूम कीमत है वो 928,900 इसका अभी एक्सशोरूम कीमत है। और अगर आप इसका ऑन रोड जानना चाहते हैं उत्तराखंड से, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है कॉन्टैक्ट, वहाँ पर आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं इसका ऑन रोड प्राइस। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि अब मेरी जो नई वीडियो जो आएगी वो आपको तुरंत आपको पता चल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।